उधर लखनऊ से खबर, जहां डीआरडीओ के कार्यक्रम में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यह डीआरडीओ का कार्यक्रम जिसमें आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। दोनों की ये तस्वीरें इस वक्त आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल डीआरडीओ का ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट के साथ डीआरडीओ लैब की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने आधारशिला रखी है और इसी दौरान इस विशेष शैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, डीआरडीओ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर भी विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का विरोध करने वाले मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे। अभिनंदन करता हूं कि आपने वैक्सीन लिया है, लेकिन जो लोग अभी भी बचे हैं उनको जरूर वैक्सीन के डोज दिलवाइए। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में कारगर साबित होगा। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में बचाव का सर्वोत्तम उपाय होगा और इसलिए वैक्सीन फ्री में है। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे, वे लोग कोरोना से दोस्ती कर रहे थे। उनको गरीबों की चिंता नहीं थी, उनको प्रदेश के नागरिकों की और देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की चिंता नहीं थी। यही फर्क है भाइयों बहनों, जब उनको मौका मिला था वे कुछ नहीं कर पाए और जब सत्ता से बाहर है कि दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन पेशेवर माफियाओं ने